हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने आगे के क्वेश्चंस ट्राई किए कि नहीं किए हैं? उम्मीद करता हूं कि आपने ट्राई किए होंगे, और यदि किए हैं ईमानदारी से तो डेफिनेटली बनने भी चाहिए। इन केस कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली लेक्चर अपन देख ही सकते हैं। तो देख लेते हैं आपको कहाँ दिक्कत गई है। लेट्स सी। श्रुति मेंटेन्स हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हर बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016, इनके आपके पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, इसका मतलब है ना तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल दिया है ना तो क्लोजिंग कैपिटल दिया है, दोनों फाइन करने पड़ेंगे। तो क्या हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा ये फाइन करने के लिए? हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो ओपनिंग के लिए अलग बनाना पड़ेगा और क्लोजिंग के लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, और आगे भी देख लेते हैं क्या लिखा है। शी विड्रू ₹500 पर मंथ फॉर द पर्सनल एक्सपेंसेस। शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ 16,000 एट 5% प्रीमियम एंड इंट्रोड्यूस द सेम इनटू बिजनेस। समझा रहा हूँ, देखो फिर 500 पर मंथ, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉइंग्स में। उसके पास पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स थे 16,000 के, वो उसने 5% प्रीमियम पे बेचे, मतलब 5% ज्यादा पे बेचे। प्रीमियम मतलब 5% ज्यादा पे बेचे। तो 16,000 का 5% कितना हो जाता है? 10% होगा 1,600, तो 5% होगा 800, मतलब 16,800 में बेच दिया। और वो पैसे फिर क्या किए? बिजनेस में ले आए। तो ये क्या हो गया? एडिशनल कैपिटल हो गया। आधी बात समझ में? तो इन्होंने सीधा सीधा एडिशनल कैपिटल नहीं लिखा है, घुमा फिरा के कहा है, मगर हमको समझ में तो आना चाहिए। चलो, तो अभी क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एस एट 1 अप्रैल 2015 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और ये आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2016 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले लिख लेते हैं ये आपका, आप लिख लीजिएगा इसको, ये आपके लाइबिलिटीज, ये आपके एसेट्स, है ना, ये अमाउंट का कॉलम हो गया। ठीक है, वैसे यहाँ पे लायबिलिटीज एसेट्स, ये अमाउंट का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आइए कैश। तो ये लीजिए कैश कितना है? 1,200। डेटर्स, डेटर्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और कुछ तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है, तो ये लीजिए हमने डेटर्स लिख दिया कितना है? 16,800। फिर आइए स्टॉक, 22,400। फिर फर्नीचर है 7,500, फर्नीचर 7,500 है। क्रेडिटर्स है 14,900, तो क्रेडिटर्स मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलेगा? और कुछ है क्या? नहीं है, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे कैपिटल लिख देता हूँ, और इस कैपिटल में यहाँ पे मैं लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो चलिए टोटल करते हैं कितना आता है। 1,200 प्लस 16,800 प्लस 22,400 प्लस 7,500 माइनस 14,900, तो ये आता है आपका 33,000। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी ले लेते हैं कैश 16,000, बिल्स रिसीवेबल 2,400, डेटर 27,200, स्टॉक 24,400, इन्वेस्टमेंट 8,000। ठीक है, ये सारे एसेट्स हैं। फर्नीचर, फर्नीचर है 8,000। ठीक है, और ये आपका क्रेडिटर्स है 11,600। ठीक है, ये मैंने ले लिया कैपिटल अब यहाँ पे। चलिए देखते हैं, ये टोटल यहाँ पे भी लिखना था, देखो एक सेकंड, 3,300 प्लस 14,900, ये हो जाता है 47,900, है ना, तो ये भी आपका 47,900, 47,900। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं 1,600, 24, 27,200, 24,400, ये हो जाएगा 71,600 माइनस 11,600, 60,000 आना चाहिए, बिल्कुल 60,000 है। ठीक है, यहाँ पे जरूर लिखेंगे आप बैलेंसिंग फिगर।
ठीक है, तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों मिल गया, और ये आपकी ड्राइंग्स हैं और ये आपका एडिशनल कैपिटल है। तो क्या करते हैं मालूम है ना, ये सीधे हम आ जाएंगे और ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा आप क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, जो कि दिया हुआ है 60,000। ठीक है, फिर आप लीजिए ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को ऐड करते हैं, ऐड ड्राइंग, ठीक है, 500 × 12 कितना होता है 6,000। ठीक है, और एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे 16,900, ठीक है ना, तो लेस एडिशनल कैपिटल है ना 16,000 प्लस 800 प्रीमियम, ठीक है ना, तो 16,800 ये माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो क्या कहलाता है बताइए, कहलाता है एडजस्टेड कैपिटल। तो ये आपका हो गया एडजस्टेड कैपिटल। अब क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल कर दीजिए माइनस, तो लेस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल, कितना है 33,000। ठीक है, 33,000 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16,200, दिस इज योर प्रॉफिट। कोई दिक्कत है, सिंपल है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना, वैसा ही है, सिमिलर है, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो भी देख लेते हैं। हरी मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर स्टॉक वगैरह आप देख सकते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिए हुए हैं, मतलब आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दोनों बनेगा। आगे लिखा है हिज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 5,000, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसमें इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब क्लोजिंग वाला, ओपनिंग में नहीं आता है ना डेप्रिसिएशन वगैरह, ये ओपनिंग में कभी नहीं आएगा, तो ये जो क्लोजिंग आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसमें फर्नीचर को आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। एंड प्रोवाइड अ रिजर्व फॉर डाउट बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन सन्डरी डेटर्स। फाइनल अकाउंट में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि प्रोविजन बनाते हैं, तो ये प्रोविजन की जगह ही कई बार रिजर्व शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरचेंजेबल है, बाकी मतलब वो ही है। ठीक है, इट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो वो तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो भी आपको क्लोजिंग वाले में करना है, ओपनिंग में नहीं करना है। तो हेडिंग यहाँ पे डाल देना, मेरे पास जगह कम है, मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, ये आपकी ओपनिंग वाली है और ये आपकी क्लोजिंग है। ठीक है ना, तो ये लाइबिलिटीज, ये अमाउंट, ठीक है, ये आपके एसेट्स, ये अमाउंट, ये लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, चलो अभी क्या करना है, फटाफट आइए, तो हम लिख लेते हैं ओपनिंग में, ओपनिंग में चलिए फर्नीचर ले लिया कितना 2,000, स्टॉक है 28,000, ये लीजिए स्टॉक हो गया, उसके बाद डेटर है, इसको तो आप एज इट इज कीजिए क्योंकि डेटर वगैरह इसमें ओपनिंग में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, डेटर ले लिया, कैश ले लिया 1,500, क्रेडिटर्स है यहाँ पे 17,500। ठीक है ना, और कुछ है क्या, नहीं और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप कैपिटल लिख दीजिए, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2 and 28 30 30 और ये 51 52 500, 52,500 और माइनस 17,500, 35,000 होगा क्या, बिल्कुल 35,000 है, तो ये 35,000 हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। वैसे इधर आ जाते हैं हम, अब फर्नीचर ले लिया कितना 2,000 है ना, स्टॉक ले लिया 30,500। हाँ, डेटर्स में ध्यान रखना है, डेटर्स में हमको क्या करना है, 10% प्रोविजन बनाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये डेटर्स हमारे हैं 21,000 और इसमें से 2,100 लेस कर दो प्रोविजन। ठीक है, तो 21,000 माइनस 10% 18,900, ये लो 18,900 हो गया डेटा। उसके बाद आइए कैश, कैश आपका है 2,000, ये लो कैश 2,000, फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 19,000, क्रेडिटर्स 19,000, ठीक है, उसके बाद अच्छा फर्नीचर में भी डेप्रिसिएशन था, एक सेकेंड, फर्नीचर में भी डेप्रिसिएशन था, तो एक काम करते हैं इसको, हाँ फर्नीचर में 2,000 का फर्नीचर और 200 आप कर दो डेप्रिसिएशन, तो कितना हो जाएगा 1,800। ठीक है ना, चलो उसके बाद कैश हो गया,
जाओ क्रेडिटर्स पे, तो क्रेडिटर्स लिख दिया 19,000, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 3,000, बिल्स रिसीवेबल 3,000, ठीक है, ये यहाँ पे भी अमाउंट लिखना था ये। फिर उसके बाद है लोन, लोन आपका 5,000 है, ये ले लिया हमने लोन 5,000, और इन्वेस्टमेंट्स हैं कितना 10,000, ये लो इन्वेस्टमेंट्स है 10,000, ठीक है, हो गया। उसके बाद बस ये आपका डेप्रिसिएशन भी हो गया, प्रोविजन भी हो गया, ड्राइंग्स बची हैं तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो 1,800 प्लस 3,500 प्लस 18,900 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 माइनस 19,000 माइनस 5,000, तो ये हो जाएगा 42,200, 42,200 ये आ गया आपका कैपिटल, ये आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है 42,200, तो बस यहाँ पे हमने क्लोजिंग कैपिटल लिखा 42,200। फिर क्या करना है, आपका ड्राइंग है तो ऐड ड्राइंग कितना है 5,000, ये लो 5,000, कितना हो गया 47,200। फिर उसके बाद आप ले लीजिए, माइनस कर दीजिए इसमें से कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो एक सेकेंड, आंसर नहीं आ रहा है, एक सेकेंड देखें कहीं कुछ एरर है। 2,000 प्लस 28,000 प्लस 21,000 प्लस 1,500, 52,500 माइनस 17,500, ठीक है ना, तो ये आ रहा है 35,000, ठीक है। एक सेकेंड, क्योंकि आंसर कहीं तो भी गड़बड़ है। 2,000 आपका फर्नीचर है, स्टॉक है 28, डेटर्स है 21, ये 1,500, क्रेडिटर्स 17,500, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आ जाते हैं तो 1,800 सही है, स्टॉक 3,500 ये भी सही है, स्टॉक एक सेकेंड, ये मेरे से गलती हो गई है, स्टॉक 3,500 है, डेटर्स जो है ये यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, तो डेटर्स जो है आपका लिखने में मैंने गलती कर दी, 34,000, हाँ 34,000 माइनस 3,400, ये मेरे से गलती हुई है। ये हो जाएगा 30,600, ठीक है ना। तो चलो आप टोटल करके देखते हैं, 1,800 प्लस 3,500 प्लस 3,600 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 माइनस 19,000 माइनस 5,000, तो 53,900, अब मेरे ख्याल से आंसर शायद आ जाए, 53,900 आ ही जाएगा, और कुछ था नहीं, 53,900। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया 53,900, है ना, तो ये हो जाएगा 58,900, ठीक है, 58,900। फिर उसके बाद है लेस आपका ओपनिंग कैपिटल, विच इज हाउ मच, 35,000, 35,000, तो ये हो जाएगा आपका 23,900, आंसर क्या है, 23,900, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही करना है, आगे भी आप ट्राई करें, नहीं बनता है तो लेक्चर्स आपके पास हैं, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, बाय बाय।